दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता है। मैं आप सभी के लिए दाल पीठी की रेसिपी लाई हूँ। ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है। देखिए, हम 5 लोगों के लिए दाल को अच्छे से धो करके और 10 मिनट के लिए भिगा दिए हैं। अच्छा, हमारे दाल को भिगे हुए 10 मिनट हो चुका है। अब इसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, नमक ऐड करके प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करके 3 सीटी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ढक्कन को बंद करके गैस पे रख दिया है। 3 सीटी लगेगा, तब तक हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मीठा तेल ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ठीक से मिलाने के बाद आटा लगा लेंगे। दल पिट्ठी के लिए मैंने आटा लगा लिया है। अब चलते हैं, दल पिट्ठी बना लेते हैं। दल पिट्ठी के लिए हमने एक बड़े साइज का लोई लिया है। अब सूखे आटे में इसको डिप करेंगे। इसको रोटी के जैसा बड़ा सा बना लेंगे। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसको गिलास की सहायता से ऐसे शेप दे देंगे। देखिए, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे दबा देंगे, फिर से इधर से ऐसे इसको बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे बना लेंगे। ये दोनों हिस्सों को पकड़ करके यहाँ पे से दबा देंगे। देखिए कितना इजीली बन जाता है और देखने से कितना सुंदर दिख रहा है। हमारा दल पिट्ठी भी बन गया है और दाल भी गल चुका है। अब चलते हैं गैस पे और दाल में पानी ऐड करेंगे और उसको बॉयल होने देंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें दाल में पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, दल पिट्ठी गाढ़ा ही अच्छा लगता है। इसको उबाल आने देते हैं, उसके बाद दल पिट्ठी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे दाल में उबाल आने लगा है। अब इसमें पानी डाले हैं तो थोड़ा और नमक ऐड कर देते हैं। अब दल पिट्ठी को इसमें ऐड कर देंगे। सही, पूरे दल पिट्ठी को इसमें ऐड करके कुकर के ढक्कन को बंद करके 1 सीटी लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने कुकर में बनाया है।
दाल पिठी को फ्राई करने के लिए एक टमाटर को काट लिया है, धनिया पत्ता, चार हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, एक बड़े साइज का प्याज। अब चलते हैं गैस के पास, दाल पिठी को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने गैस के फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है और इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। सरसों का तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे खड़ा जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, दो लाल कटा हुआ प्याज, इसको लो फ्लेम पे भुनेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर पक चुका है, अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ थोड़ा नमक ऐड कर देंगे जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे और एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। दाल पिठी बन गया है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। हमने अपने दाल पिठी को सर्व कर लिया है।